राजधानी भोपाल से है, जहां चुनावी साल में कांग्रेस अपनों को पहचान देगी, अपने कार्यकर्ताओं को आई कार्ड दिए जाएंगे। तो चुनावी साल कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस अपनों को पहचान देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड देगी। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का पहचान पत्र बनेगा और उन्हें आईडी कार्ड सौंपा जाएगा। तो मंडल, सेक्टर और बूथ अध्यक्षों का आईडी कार्ड बनाया जाएगा। बूथ स्तर के पदाधिकारियों को भी पहचान पत्र दिया जाएगा। कार्ड में पद, नाम, स्थान सहित सभी जानकारियां, बेसिक जानकारी जो होती है वो रहेगी, शामिल रहेगी। कांग्रेस के आईडी कार्ड पर नरोत्तम मिश्रा ने भी अब तंज कस दिया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि उम्र दराज नेता है, कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते और इसीलिए पहचान पत्र दे रहे हैं। कमलनाथ जी का ये कहना है कि जब भी अभी कमलनाथ जी जब भी दौरे पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मंडल अध्यक्षों से और सेक्टर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से बात करते हैं, और जब वो उनसे रूबरू होते हैं तो निश्चित रूप से अगर वो अपना आई कार्ड लेकर, उसका आई कार्ड रहेगा, उसका नाम उस पर लिखा रहेगा, किस मंडल का वो अध्यक्ष है, किस सेक्टर का अध्यक्ष है या किस ब्लॉक का अध्यक्ष है, तो वो भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है कि उसको लगता है कि पार्टी मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है। जब एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका सम्मान पदाधिकारी बनने के बाद और बढ़ जाता है। उम्र दराज है, उम्र दराज होने से अब दो ही नेता हैं, दोनों ही 75 क्रॉस कर गए, और कार्यकर्ता को जब नाम से नहीं बुलाते और पूछते हैं आप कौन हो, तो उस कार्यकर्ता को अटपटा लगता है, शायद इसलिए कर रहे होंगे। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे, संवाददाता सूरज शर्मा लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए कुछ ही महीने बचे हैं, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, पहचान पत्र देने की तैयारी है और अब तो सियासत भी गर्मा गई है। देखिए बिल्कुल, 2023 के पहले कांग्रेस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसके पहले हमने देखा जिला अध्यक्ष और मंडलम जो अध्यक्ष थे, खासतौर से उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फोटो भी लगा था। इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस चाहती है हर एक पदाधिकारियों की एक पहचान हो, उसकी जिम्मेदारी जो तय की गई थी वो उसको पता चले, और शायद यही कारण है कि नया प्रयोग किया जा रहा है। अब तमाम जो मंडलम, सेक्टर या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बाकी जिला अध्यक्ष हैं, उनको आई कार्ड यानी कि पहचान पत्र कांग्रेस जारी करी, करीब 27,000 जो आई कार्ड है वो बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यही प्रयोग है कांग्रेस का कि ज्यादा से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को ये फील करें कि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, यदि कहीं आते जाते हैं तो उनके पास एक आई कार्ड हो। लेकिन कहीं ना कहीं से पहचान पत्र पर अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि दोनों जो वरिष्ठ नेता है, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, वो उम्र दराज है और कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, इसलिए यदि वो गले में आई कार्ड लटकाकर घूमे तो कम से कम कार्यकर्ता की पूछ परख बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर अब पहचान पत्र पर भी सियासत होने लगी है। देखना ही होगा कि जब पहचान पत्र वितरित होंगे उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों का क्या रुख होता है और क्या बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लेगी। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।